क्या बात है राधा, किस सोच में डूबी हो? गौरी, कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं जब रात को घर जा रही थी तब सच गौरी, अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। मैं जैसा सोच रही थी प्रणय सर वैसे नहीं है। अगर उनके मन में कोई भी खोट होती तो उस दिन वो मुझे बचाते नहीं। हाँ गौरी, उस दिन उन्होंने डीन के सामने अपनी गलती कबूल करके मुझे नौकरी से निकाले जाने से बचाया। इतना ही नहीं, डीन के सामने उन्होंने अपनी गलती की माफी भी मांगी और कल रात भी वो मुझसे माफी मांगने आए थे। पर राधा, तुम्हें प्रणय सर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शायद इस बार उनकी गलती नहीं थी। मैं मानती हूं गौरी कि इस बार गलती प्रणय सर की नहीं थी। जो भी गलती हुई है वो मेरे हाथ से हुई है। वो तो मुझे लिफ्ट देकर अपनी गलती सुधारना चाहते थे, लेकिन जब मेरा दुपट्टा कुर्सी में अटक गया तब मुझे लगा कि प्रणय सर फिर से मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, और फिर गलती से गुस्से में मेरा हाथ उन पर उड़ गया। गौरी, अब मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे। राधा। यस मैडम। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी, मैं बाद में बताती हूँ। जी मैडम। राधा, तुमने जो नाइट शिफ्ट के लिए एप्लीकेशन दी थी वो रिजेक्ट हो गई है। नाइट शिफ्ट में ऑलरेडी हमारे पास बहुत स्टाफ है, हम और स्टाफ नहीं रख सकते। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और तुम डबल ड्यूटी करने को तैयार हो। जी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नर्स की पार्ट टाइम ड्यूटी का इंतजाम किया है। थैंक यू मैडम। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल का काम खत्म करने के बाद तुम्हें इस बीमार लेडी के पास जाना होगा। बीमारी की वजह से वो चल फिर नहीं सकती है और तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा। जी, लेकिन मुझे ड्यूटी कब से ज्वाइन करनी है? आज ही। और हाँ, उस जगह लेडी और जगह के मालिक के बारे में एक खास बात याद रखना। वो जो लेडी है वो हमारे मैट्रन, देयर्स एन इमरजेंसी इन वार्ड नंबर 5, प्लीज कम इमीडिएटली। मैट्रन, देयर्स एन इमरजेंसी इन वार्ड नंबर 5, प्लीज कम इमीडिएटली। तुम वक्त पर ड्यूटी पे पहुंच जाना और जाते वक्त मुझसे एड्रेस ले जाना।